सब्सक्राइब कीजिए देख रिव्यू यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ ऑनलाइन डील्स एंड ऑफर्स के लिए ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम ब्रॉडकास्ट को। ज्वाइन करने के लिए सर्च कीजिए ऑफर ऑफ वर्ल्ड और वहां पे जाके ज्वाइन में क्लिक कर दीजिए ताकि ऑनलाइन डील्स एंड नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से लेके आ गया हूँ एक कमाल का डिवाइस जो कि है TP-Link की तरफ से AC600 डुअल बैंड USB वाईफाई एडाप्टर, जिसको हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं और बताने वाले हैं ये TP-Link की तरफ से वाईफाई एडाप्टर तो कैसा है, आप लोगों को कितना स्पीड दे रहा है, ये भी स्पीड टेस्ट भी करने वाले हैं। तो इन शॉर्ट मैं बोलूँ तो ये TP-Link का USB वाईफाई एडाप्टर का मैं कंप्लीट अनबॉक्सिंग, रिव्यू और स्पीड टेस्ट करने वाला हूँ। तो आप लोग को इस USB वाईफाई एडाप्टर के बारे में आप लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक जो देखेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं देख रिव्यू चैनल। तो चलो 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 चालू करते हैं। ये देखते हैं हम लोग पास आ गया TP-Link की तरफ से AC600 डुअल बैंड USB एडाप्टर। इसका हम लोग जो प्रोटेक्शन दिया गया उसको हटा लेते हैं और यहाँ पे आप लोग देखते हैं मॉडल नंबर लिखा गया है, हाई गेन वायरलेस डुअल बैंड एडाप्टर है ये वाला। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैक्सिमम स्पीड जो मिलेगा और जो भी आप लोग यहाँ पे डिटेल्स सब है वो लिखा गया है, आप लोग जिसको चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। और ये विंडोज़ एंड मैक दोनों के साथ सपोर्टेड है। हाई गेन एंटेना दिया गया है, यहाँ पे आप लोग को सारा डिटेल्स दिया गया है तो आप लोग चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। 180 डिग्री ये रोटेट होगा जो कि मैं दिखाऊंगा अभी। यहाँ पे स्पेसिफिकेशन एंड कॉन्टेंट सब दिया गया है तो आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं। जैसे हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, ये देख सकते हैं हम लोग आ गया एक क्विक इंस्टॉलेशन गाइड, इसको रखते हैं हम लोग फिलहाल साइड में। यहाँ पर आप लोग को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे यूज़ करना है, सारा कुछ दिया गया है। और मैक ओएस के लिए भी दिया गया है और विंडोज़ ओएस के लिए भी दिया गया है। ड्राइवर कहाँ से इंस्टॉल करना है ये भी यहाँ पे दिया गया है। और विंडोज़ के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दिया गया है। तो एक तरफ आप लोग को मैक के लिए मिल जा रहा है, एक तरफ विंडोज़ के लिए। और ये आप लोग को ड्राइवर का CD मिल गया है जिसको मैं रखता हूँ फिलहाल साइड में। और ये हम लोग को आ गया है मेन पार्ट 2 जो कि है USB एडाप्टर 2। तो इसके ऊपर भी प्लास्टिक प्रोटेक्शन दिया गया है, इसको हम लोग निकाल लेते हैं जल्दी से और उसके बाद हम लोग देखते हैं ये कैसे रोटेट होता है और कैसे काम करता है। तो ये देखते हैं हम लोग प्लास्टिक प्रोटेक्शन हटा दिया है। यहाँ पे आप लोग TP-Link का ब्रांडिंग मिल जा रहा है, कुछ इस टाइप का आप लोग USB एडाप्टर मिल गया है जो कि यहाँ पर लुकवाइज ऐसा दिख रहा है। तो काफ़ी अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी वाइज भी अच्छा है और आप लोग इसको ऐसे टर्न कर सकते हैं और आप लोग रोटेट भी कर सकते हैं इसको, मैंने 180 डिग्री तक ये रोटेट हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग इसे रोटेट कर सकते हैं, उसका अप डाउन करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग किसी भी एंगल में रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, 180 डिग्री ये रोटेट होता है और ये अप डाउन भी होता है तो आप लोग जिस एंगल में रखना चाहते हैं रख सकते हैं। कुछ इस टाइप का आप लोग को ये वाला एंटीना तो मिल जा रहा है। तो चलिए हम लोग इसका स्पीड टेस्ट करेंगे और कैसे इसको इंस्टॉल करना है ये सब भी देखेंगे। तो ये इस टाइप का आप लोग को मिल जा रहा है TP-Link की तरफ से AC600 USB डुअल बैंड वाईफाई एडाप्टर। इसके बॉक्स के ऊपर जो स्पीड लिखा गया है वो है आप लोग को 2.4 GHz में 200 Mbps तक का स्पीड मिलेगा और 5 GHz में आप लोग को 433 Mbps तक का स्पीड मिलेगा। तो चलिए हम लोग अपने डेस्कटॉप में इसको कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने के बाद आप लोग कोई भी ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग प्लग कीजिए और आप लोग काम करना चालू हो जाएगा। तो ये जो CD वगैरह दिया गया है वो कोई काम का नहीं है, आप लोग यदि इंस्टॉल करना है तो कर सकते हैं वरना आप लोग डायरेक्ट प्लग करके भी आप लोग काम कर सकते हैं। तो मैंने अपना डेस्कटॉप में डायरेक्टली प्लग किया और देख सकते हैं काम करना चालू हो गया। अब मैं स्पीड टेस्ट करने वाला हूँ। स्पीड टेस्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो मेरा इंटरनेट है वो JioFi राउटर के थ्रू चल रहा है, यानी कि JioFi जो आता है उसके थ्रू चल रहा है, यानी कि जियो का ही नेट है। तो मैं आप लोग को पहले क्या करता हूँ, फोन रिकॉर्डिंग दिखा देता हूँ फोन में कितना स्पीड आ रहा है, ताकि मैं जब डेस्कटॉप का स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाऊँ तो आप लोग को समझ में आ जाए कि कितना ये नेट ले पा रहा है। तो मैं सबसे पहले आप लोग को फोन का नेट स्पीड दिखा दे रहा हूँ जो कि सेम राउटर के थ्रू कनेक्ट किया हूँ। तो फोन में देखते हैं डाउनलोड स्पीड आ रहा है 6.1 Mbps और अपलोड स्पीड आ रहा है 5.77 Mbps। तो इस टाइप का आप लोग स्पीड मिल रहा है। मैं सेम वाईफाई को अपने डेस्कटॉप में भी कनेक्ट करता हूं, उसके बाद मैं स्पीड टेस्ट करता हूं। USB वाईफाई एडाप्टर को मैं डेस्कटॉप में लगा लिया हूं, अब मैं स्पीड टेस्ट करता हूं। तो मैं जब डेस्कटॉप में स्पीड टेस्ट किया तो मुझे डाउनलोड स्पीड मिला 6.11 Mbps और अपलोड स्पीड मिला 5.29 Mbps। तो लगभग सिमिलर स्पीड दे दे रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं मेरा जो फोन में जो स्पीड दे रहा था सेम स्पीड मेरा डेस्कटॉप में भी दे रहा था। तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्पीड दे दे रहा है। आप लोग का ये स्पीड डिपेंड करता है कि आप लोगों को कौन सा वाईफाई है, कौन सा इंटरनेट है। यदि आप लोग मैंने ब्रॉडबैंड वाला इंटरनेट लीजिएगा तो आप लोग को ज़्यादा स्पीड मिल सकता है। मैं JioFi के थ्रू टेस्ट किया उसके लिए कमती स्पीड है, तो जियो का ऐसा ही स्पीड रहता है। तो आप लोग देख सकते हैं ठीक ठाक स्पीड दे दिया है। तो आप लोग के लिए ये वाला डिवाइस हो जो कि USB वाईफाई एडाप्टर है TP-Link की तरफ से काफ़ी अच्छा हो जा रहा है। यदि आप लोगों को डेस्कटॉप में इंटरनेट चलाना है या फिर आप लोगों को लैपटॉप में भी
5 GHz का स्पीड चाहिए या आप लोग को 2.4 GHz का स्पीड में चलाना है तो आप लोग को ये ले सकते हैं, क्योंकि जो लैपटॉप का 2.4 GHz वाला बैंड रहता है वो उतना अच्छा नहीं रहता है, ये वाला काफ़ी अच्छा है। और यदि आप लोगों को लैपटॉप में 5 GHz बैंड पे यदि आप लोग वाईफाई चलाना है, ज़्यादा स्पीड में चलाना है, तभी भी आप लोग इसको परचेस कर सकते हैं। और इसका बेस्ट बाय लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ पे जाके आप लोग इसको परचेस कर सकते हैं। नेट स्पीड तो आप लोग का जो वाईफाई रहेगा उस पर डिपेंड करता है, आपका जो राउटर रहेगा उस पर डिपेंड करता है। ये यूएसबी अडैप्टर तो काफ़ी अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी वाइज भी अच्छा है। तो यदि आप लोग इसको परचेस करना चाहते हैं तो बेस्ट बाय लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाके परचेस कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज का इंटरेस्टिंग सा वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप लोग कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा के ऑल भी कर दीजिए ताकि मिले जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही काफी है, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं फिर एपिसोड में कुछ नया ऑफर एंड अनबॉक्सिंग लेके। तब तक के लिए याद रखिएगा, देख रिव्यू बिफोर यू बाय, तब तक के लिए गुड बाय।